दोस्तों ऊपर भोले बाबा के मंदिर है और बहुत ही अच्छा ये मंदिर जो है ना, रास्ता 500 सीढ़ी का है, मैं ये चढ़कर दिखाऊंगा और आपका साथ भी। चलिए दोस्तों चलिए ले चलिए। ओके दोस्तों 500 से चढ़ के फाइनली हम गेट पे आ गए हैं और मैं अंदर का नजारा दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत। मैं सुना हूँ, कभी गया नहीं है, मैं दिखाऊंगा। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे जो भी आता है, सुना हूँ कि यहाँ पे जो भी आदमी आते हैं उसका मन का मुराद पूरी होती है। और मैं एक दिन में सोच के आया हूँ कि मैं भोले बाबा से, यहाँ पे सब सारे भगवान के मूर्तियां हैं और भगवान है यहाँ पे खुद विराजमान है, तो यहाँ पे आपको राम जी मिल जाएंगे, लक्ष्मी जी मिल जाएंगे और माता या शंकर भगवान मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं अंदर का नजारा बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपको दिखाऊंगा, तो चलिए ले चलिए अंदर ले चलिए। ठीक है, आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो मंदिर है, देखिए राधा कृष्ण का मंदिर है, जैसे जो शेषनाग भी देख सकते हैं, अर्थात पिछले जी देख सकते हैं, बहुत ही आप जो मांगिएगा यहाँ पे भगवान के यहाँ आपको परिपूर्ण मिलेगा। और राधा कृष्ण आप चलिए देख उस मंदिर में चलिए, यहाँ पे मोड़ और यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार लुक्स लग रहा है इधर भैया जी, हमारे नंदी महाराज जो हमारे भोलेनाथ का एकदम सामने रहते हैं, देखो दिखाइए कितना मस्त है। जय इधर भी, और देखिए बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपका अंदर दिखाइए। देखिए ये माता का मंदिर है, ये कल्याणी माँ, बैक दिखाइए ना, इधर इधर भी आइए। ये बहुत अच्छी मंदिर है, जो मांगिएगा पूरा दिखा। ऐसा देख सकते हैं, यह हमारे मंदिर राम सीता जी और साथ में हनुमान जी का मंदिर, बहुत ही खूबसूरत संगमरमर से बना हुआ यह राम मंदिर है, यह बहुत ही सुंदर खूबसूरत होता है। यहाँ पे जो भी आप सच्चे दिल से आते हैं मांगने भगवान से, वो आपका मिलता है। इधर भी आइएगा, इधर में देखिए ये हमारे महादेव भोले बाबा, जय भोले बाबा। देखिए जो भी इच्छा आपके मन में रहते हैं वो आप यहाँ पे जाहिर करते हैं, कहा जाता है कि जो मन में रख के आते हैं वो अब जरूर पूरा होता है। आप एक बार जरूर यह मनोकामना मंदिर में आइए और दर्शन कीजिए, आपको सुकून एक बहुत ज्यादा मिलेगा। यहाँ देखा नहीं, ये माँ का मंदिर है, ये दूसरा लॉक है, इसमें ये माँ सरस्वती लक्ष्मी जी का है। यह बहुत ही अच्छी, देखिए कितनी कितनी खूबसूरत सी बन रही है दोस्तों, देखिए उधर दिखाइए कितना। देखिए ये मंदिर का बहुत खासियत बात यह है कि चारों पट्टी गांव है, छोटी छोटी गांव देखने को मिलेगा। और यह जो मंदिर है ये बहुत ही ऊंची भी मंदिर है, और यह मंदिर देखिए कितनी बिजोड़, कितनी कंटाप दिख रही है, दूर दूर लगता है कि समुंदर है, बट समुंदर है नहीं, दिखने में लगता है। वहाँ पर देखिए फॉग एकदम कोहरा है, साथ में देखने पहाड़ भी यहाँ से देखने को मिलेगा। देखिए दिखाइए। उसके बाद यह गांव इधर का हो गया, उसके बाद मैं उस साइड में देखता हूँ, उस साइड में भी पहाड़ आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया पहाड़ है। उसके बाद आइए देखिए इस साइड दिखाइए, इस साइड कितना खूबसूरत था, ऊंचा करके दिखाइए इनको, बहुत अच्छा है। इधर आइए, उसके बाद बाहर एक चीज खुश खासियत बात यह है कि मंदिर तो साथ में है, लेकिन देखिए मंदिर तो साथ में है, साथ में इधर में देखिए इधर में एक स्कूल भी है, साथ साथ देखिए जो जो बच्चा पढ़ता है तो उसका मन में एक ख्याल होता है कि चलो भाई मेरे
सामने स्कूल होना चाहिए, स्कूल तो है ही, मंदिर भी होना चाहिए। ये मतलब यहाँ आते हैं तो मन को सुकून इतना ज्यादा मिलता है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। आपको कभी मौका मिलो तो जरूर यहाँ पे आइए। आपको मैं और इससे ज्यादा सुंदर भी जगह दिखाता हूँ। इधर इधर लाइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए ये हमारे भोलेनाथ का है, ये देखिए छोटी छोटी, आपको छोटी छोटी बहुत अच्छा मिल जाएगा। देखिए एक शिवलिंग यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे आप आते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं हम जन्नत में आ गए। जन्नत देखो, हम लोग बोलते हैं कि जन्नत जो है ना, हम लोग के यहीं पे जन्नत है, जन्नत कहीं है नहीं। देखो यहाँ पे आते हैं तो जन्नत सहसा जन्नत मिल जाती है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, विनती तो करूँगा ही क्योंकि यहाँ पे धार्मिक स्थल है और आपका दिल चंगा हो जाए। देखिए ये देखिए, जय भोले बाबा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये हमारे, ये देखिए, इधर आइए, ये माता, ये देखिए, ये बोले हैं या पीपल का, हाँ पीपल, ये चीज बड़ा खासियत इसमें हमको दिखने का लग रहा है। यह पीपल का पेड़ है, साथ में ही दूसरा पेड़ है, बताइए साथ में और भी कुछ अलग पेड़ दिख रहा है इसमें। और यह माता भोले है या ता नहीं, भगवान भगवान है, जय श्री राम। ठीक है इधर आइए, और यहाँ पे जो भी गेट बंद, हाँ गेट बंद, खोलिए। दोस्तों मैं अंदर के सीन बताऊंगा और बहुत ही खूबसूरत नजारा है। आप यहाँ पे गुरुमुख जाइए, देखिए बोला मतलब दर्शन कीजिए, आपको दिन इसको देख के आपको दिन पूरा दिन आपको कितनी। यहाँ पे आप जो भी आते हैं ना, अपने दिल होते हैं, ये आप देख सकते हैं हमारे भोले बाबा ऊपर विराजमान हैं, आप जो देख सकते हैं। ये देखिए एक घंटा है, मैं इसको जय भोले बाबा, ये है बहुत ही खूबसूरत नजारा है यहाँ पे। देख एक आवाज भी गूंजती है, लगता है कि हम स्वर्लोक में आ गए। यहाँ पे भोले बाबा का बहुत ही, यहाँ पे एक वर्ड बोलते हैं लेकिन बहुत ज्यादा गूंज होने लगता है। यही तो खासियत है हमारे महादेव में। जय महादेव।